आज तो मेला भी है, आप क्या खरीदेंगे? मैं तो एक घड़ी खरीदूंगा। आप? मैं तो ढेर सारी मिठाई खाऊंगा। मैं तो गुल्लक खरीदूंगा। आप? मैं तो गुड़िया खरीदूंगी। पर दीदी आई नहीं। दीदी आती होंगी। दीदी आई नहीं। क्या बात है, आज आप लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। मेला है। अरे हाँ, आज तो मेला है और हम लोग मेला चलेंगे। लेकिन मेला चलने से पहले हम लोग प्रेमचंद जी पर थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग मेले में आज क्या क्या खरीदेंगे? दीदी मैं तो गुल्लक खरीदूंगा। अच्छा, और आप तरह? मैं तो एक घड़ी खरीदूंगा। अच्छा, और आप क्या लेंगी शिप्रा? दीदी मैं तो गुड़िया लूंगी। गौरव आप क्या लेंगे? दीदी मैं ढेर सारी मिठाई खाऊंगा। दीदी मिठाई खाने से तो दांत में कीड़े हो जाते हैं। अंकुर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मिठाई खाने से दांत में कीड़े लग जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने हमसे तो पूछा ही नहीं। आप क्या लेंगी? हाँ मैं तो चिमटा लूंगी। चिमटा? हामिद भी तो चिमटा लेता है, ईदगाह कहानी पढ़ी है। जी दीदी। क्यों लेता है हामिद चिमटा? दीदी उसकी दादी के रोटियां सेकते हुए उसकी दादी के हाथ जल जाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव, हामिद इसलिए चिमटा लेता है क्योंकि उसकी दादी के हाथ रोटियां सेकते समय जल जाते थे। अच्छा आपको ये पता है ये कहानी किसने लिखी? दीदी प्रेमचंद जी ने। हाँ अरे वाह, आप सबको पता है प्रेमचंद जी ने लिखी है। अच्छा प्रेमचंद जी की और कोई कहानी पढ़ी है? दीदी दीदी पंच परमेश्वर। अच्छा आपने पंच परमेश्वर पढ़ी है, कैसी लगी वो कहानी? बहुत अच्छी। प्रेमचंद जी की कहानियाँ होती ही इतनी अच्छी हैं कि वे सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। और इतना ही नहीं, वे अपनी कहानियों में गांव की समस्याओं को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखते हैं। अच्छा आपको पता है उनका जन्म कहाँ हुआ था? दीदी जी दीदी जी मेरी किताब में लिखा है कि उनका जन्म लम्ही गाँव में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव आप, उनका जन्म लम्ही गाँव में हुआ था। लेकिन वो कहाँ है क्या पता है आपको? नहीं। हाँ उनका वो लम्ही गांव वाराणसी में है, वाराणसी जिले में है, और जहाँ उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। अच्छा क्या आपको पता है कि प्रेमचंद जी के बचपन का क्या नाम था? दीदी दादाजी कह रहे थे कि प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था। आपके दादाजी गौरव बिल्कुल ठीक कह रहे थे, प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था। और उनका प्रेमचंद नाम कैसे पड़ा ये हम बताते हैं। जब प्रेमचंद जी धनपत राय के नाम से लिखते थे, और अंग्रेजों ने, ये तो जानते ही हैं आप कि हमारे देश पर बहुत और हमारे देश की जनता पर बहुत जुल्म किया है, तो प्रेमचंद जी अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ लिखा करते थे। और सोजे वतन नामक उनकी किताब पर जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखा है उस पर सरकार ने रोक लगा दी थी, और फिर उन्होंने उसके बाद जो है वो फिर से लिखते थे, लेकिन धनपत राय के बजाय उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया, और इस तरह उनका नाम प्रेमचंद पड़ गया, और इससे उन्हें अंग्रेजी सरकार पहचान भी नहीं पाई। और आपको ये पता है कि उन्हें वो उर्दू में भी लिखते थे नवाब राय के नाम से? उन्हें उर्दू ही नहीं, उन्हें फारसी भी आती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने BA फारसी से किया है। और आपको पता है कि प्रेमचंद जी ने पढ़ाई करने के साथ साथ इंटरमीडिएट और BA की जो परीक्षा थी वो देते समय नौकरी भी कर रहे थे। वो नौकरी करने के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई की है। आपको पता है? नहीं पता। कैसे की उन्होंने ये पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी, आप यही सोच रहे हैं ना? दरअसल प्रेमचंद जी का जो जन्म था वो अत्यंत ही साधारण परिवार में हुआ था, और उनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वो पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी भी करते थे। और उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने बहुत ढेर सारी कहानियाँ पढ़ ली थी। दरअसल उन्हें कहानियाँ और किताबें बहुत अच्छी अच्छी पढ़ने को मिलती रहें, इसके लिए वो एक किताब बेचने वाले की दुकान पर काम किया करते थे। इसकी वजह से किताब वाला उन्हें किताब पढ़ने के लिए देता होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे गौरव आप, और इसके बदले किताब पढ़ने वाला उन्हें किताब दे दिया करता था। और प्रेमचंद जी को अपने देश से बहुत प्यार था। वो उनकी ज़्यादातर कहानियों में उन्होंने अपने देश की उन्नति और उन्नति के बारे में, और ज़्यादातर देश की समस्याओं के बारे में लिखा है। उन्होंने आम जनता को जागरूक किया जिससे वे अपनी लड़ाई
जिससे उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो खुद उनका सामना कर सकें। उन्होंने जो है गांव की समस्याओं के बारे में लिखा है। प्रेमचंद जी ने जो है इतना ही नहीं जमींदारों धनवानों के अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ जो है बहुत लिखा और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी लेकिन तीर तलवार या बंदूक से नहीं बल्कि कलम से। और ये कलम से लड़ाई कैसे लड़ी ये पता है आपको? नहीं पता। जिस तरह एक सिपाही जो है अपनी बंदूक से लड़ाई लड़ता है उसी तरह प्रेमचंद जी ने कलम से लड़ाई लड़ी और कलम से लिखी हुई कहानियों के माध्यम से उन्होंने आम जनता को जागरूक किया जिससे वे अपनी लड़ाई जिससे उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो खुद उनका सामना कर सकें और इसीलिए उन्हें कलम का सिपाही भी कहते हैं। और आपको पता है कि प्रेमचंद जी ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं? नहीं पता। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ और 14 उपन्यास लिखे हैं। इतनी सारी दीदी? हाँ, और उन्होंने इतना सारा और इतना अच्छा साहित्य लिखा है जिससे कि हम उनके साहित्य को कोई भी व्यक्ति उनके साहित्य को पढ़कर प्रेरणा प्राप्त कर सकता है अपने जीवन में उन्नति कर सकता है। और क्या आपको पता है कि प्रेमचंद जी ने हमारे देश की समस्याओं पर बहुत ज़्यादा लिखा है और इतना ही नहीं उनकी हर एक कहानी में बहुत ज़्यादा सीख छिपी रहती है। हम उनकी कहानियों को पढ़कर उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं जीवन में अच्छा बन सकते हैं और सभी की दृष्टि में अच्छे बन सकते हैं। बिल्कुल सभी की दृष्टि में अच्छे बन सकते हैं। जैसे कौन था? हामिद। उनकी ज्यादातर कहानियों में गांवों का चित्रण बहुत अच्छा था। जन्म गांव में हुआ था। बिल्कुल, अभी आपको बताया था हमने कि उनका जन्म लम्ही गांव में हुआ था। दीदी कलम का सिपाही क्यों कहते हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छा प्रश्न किया अंकुर आपने। कलम का सिपाही उन्हें इसलिए कहा जाता है जैसे कोई सिपाही बंदूक से लड़ाई लड़ता है उसी तरह प्रेमचंद जी ने कलम से लड़ाई लड़ी। वो इस तरह कि उन्होंने अपनी कलम से अपनी कहानियों के जरिए उन्होंने कलम से जो भी कहानियां लिखी उनके माध्यम से उन्होंने आम जनता को जागरूक किया कि वो अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाए और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सके। अच्छा अंकुर आप ये बताइए कि प्रेमचंद जी के गाँव का क्या नाम था? लम्ही गांव। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अच्छा गौरव आप ये बताइए कि वो उर्दू में किस नाम से लिखते थे? किसी को भी याद नहीं है? नहीं दीदी। अरे भाई उर्दू में वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। आप लोग भूल जाते हैं, याद रखिए। और पता है साहित्य तो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि का विकास हो सके। और ये बताइए कि उनके बचपन का क्या नाम था? धनपत राय। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, उनके बचपन का नाम धनपत राय था। अच्छा उन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है ये भी पता है। और अच्छा ये बताइए कि उन्होंने इतनी सारी जो कहानियां लिखी हैं, बहुत अच्छे गौरव आपको तो याद हो गया। उन्होंने नमक का दरोगा लिखा और कफन लिखा, और कौन सी कहानियां आपने पढ़ी हैं? पंच परमेश्वर पढ़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पंच परमेश्वर तो आपने पहले ही बताया था पढ़ी है जी। और ये सब कहानियां आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी।